हेलो डियर स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द मनोपली मार्केट वी हैव ऑलरेडी सीन द परफेक्ट कंपटीशन, वी हैव आल्सो सीन दी ओलिगोपोली। हमने ओलिगोपोली के वेरियस मॉडल्स को डिस्कस किया हाउ प्राइस एंड आउटपुट इज डिटर्मिंड अंडर बोथ दीज मार्केट्स हम ये सारा डिस्कस कर चुके हैं और आज हम अनादर टाइप ऑफ मार्केट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कंपटीशन हम ले रहे हैं दैट इज मोनोपोली यानी मार्केट को जब हम कंपटीशन के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं तो एक परफेक्ट कंपटीशन है देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज आल्सो देयर देन मोनोपोली इज आल्सो देयर तो आज हम मोनोपोली को डिस्कस करेंगे मोनो यानी इसके आगे जो वर्ड लगा है दैट इज मोनो वी मीन्स वी ऑल नो मोनो मीन्स सिंगल पॉली मीन्स सेलर तो मोनोपोली जो है एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे दर इज सिंगल सेलर विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट यानी उस सेलर का कोई भी मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर नहीं है वो जो प्रोडक्ट बना रहा है देर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ दैट प्रोडक्ट विच इज़ सोल्ड बाई अ मोनोपोलिस्ट यानी मोनोपोलिस्ट के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है या बनाया जा रहा है मार्केट के अंदर उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है आई रिपीट आई एम सेइंग देर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट यानी सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होंगे लेकिन क्लोज सब्सटीट्यूट कोई भी नहीं होगा इसे हम कहते हैं कि हम अगर बात करते हैं कि प्योर मनोपली तो कभी भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं हो सकती है तो नियर मनोपली रहती है यानी कि मान लो अगर मैं कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बना रही हूँ तो वैसा एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट कोई भी दूसरा नहीं बना सकता या कोई भी दूसरा जना मार्केट के अंदर बनाने वाला नहीं है आ, अगर मैं कोई फूड आइटम बना रही हूँ तो मेरा आ, मेरे प्रोडक्ट का जो टेस्ट है मेरे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वैसा टेस्ट वैसी क्वालिटी और कोई भी जना नहीं बना पा रहा तो मेरे प्रोडक्ट का क्या हो गया है मनोपली क्रिएट हो जाती है मनोपली और भी बहुत सारे तरीक़ों से क्रिएट होती है जिसको हम आज ही के इस लेक्चर में बाद में डिस्कस करेंगे सो आई रिपीट द मीनिंग ऑफ मनोपली इट्स अ मार्केट सिचुएशन वेयर देर इज़ सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट

एक ही जना है एक ही फर्म है जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है उसके आसपास कोई भी जना नहीं है उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है तो सेकेंड फ़ीचर uh, यही हो गया नो क्लोज सब्स्टिट्यूट इन द मार्केट उस मार्केट में उस प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है क्लोज सब्सटिट्यूट का मीनिंग मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई फार्क सब्सटिट्यूट तो हमें मिलेंगे कि चलो ठीक है अगर हम जेल पेन की बात करें तो मान लो जेल पेन को बनाने वाला सिर्फ एक ही फॉर्म है ऐसा तो बहुत सारी है हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं लेकिन आ, 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 ऐसा तो नहीं है कि जेल पेन का कोई भी अगर एक ही फॉर्म जेल पेन बना रही है तो जेल पेन का तो कोई सब्सटिट्यूट नहीं होगा अगर किसी को जेल पेन चाहिए तो उसको उसी कंपनी से परचेज़ करना पड़ेगा बट येस yes, इसके सब्सटिट्यूट्स जो भी हैं दूसरे सब्सटिट्यूट अवेलेबल होंगे जिसको हम क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं बोल के फार सब्सटिट्यूट्स बोलते हैं लाइक like, हम पेंसिल यूज़ कर सकते हैं या फिर हम बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं जेल पेन की जगह लेकिन जेल पेन यानी कोई भी क्लोज सब्सटिट्यूट उसका अवेलेबल नहीं होगा देन थर्ड इज़ प्रॉफ़िट मैक्सिमाइजर अब क्या होता है मनोपली के अंदर क्योंकि वो एक ही फर्म है क्योंकि वो एक ही सेलर है सिंगल प्रोड्यूसर है उस प्रोडक्ट को बनाने वाला तो वही अपनी जो मर्जी प्राइस होती है वो अपनी प्राइसेस चार्ज करता है अपने कंज्यूमर्स के थ्रू तो जो मेरा फोर्थ फीचर मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है प्राइस मेकर यानी कि जो मोनोपोलिस्ट है वही प्राइस डिसाइड करता है अनलाइक द परफेक्ट कंपटीशन वेयर प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री जबकि मोनोपोली में क्योंकि वो खुद ही है वो खुद ही एक इंडस्ट्री है वो एक ही फर्म पूरी इंडस्ट्री को डिनोट कर रही है तो वो खुद प्राइसेस चार्ज करते हैं वो खुद ही प्राइसेस डिसाइड करते हैं तो इसीलिए हम जनरली देखते हैं कि मनोपली में बाकी मार्केट के कंपैरिजन में प्राइसेस जनरली बहुत हाई रहती है उसका रीज़न ही यही है क्योंकि वो मार ही इज़ द किंग इन द मार्केट दैट मोनोपोलिस्ट इज़ द किंग इन द मार्केट ही नो दैट देर इज़ नो कॉम्पिटिशन मेरे आसपास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है मेरे मेरे प्रोडक्ट का कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है लेट इस चार्ज वट एवर आई वॉन्ट यानी वो वही प्राइसेस चार्ज करेगा जो वो खुद चाहता है इसीलिए जनरली मोनोपोलिस्ट पे बैन लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा क्योंकि ये uh, जो क्रिएशन ऑफ मनोपोलीज इज इट इट इज़ नॉट गुड फॉर द वेलफेयर ऑफ़ द कंज्यूमर्स क्योंकि कंज्यूमर को अनजस्टिफाइड प्राइसेज जो है वो पे करनी पड़ती है तो कुछ कुछ पर्टिकुलर एरियाज होते हैं कुछ कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज ऐसी होती है विच इज़ प्रिजर्व बाई द गवर्मेंट जहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि उसमें मनोपली क्रिएट नहीं हो क्योंकि अगर मनोपली क्रिएट हो जाएगी तो कंज्यूमर हैव टू पे अ वेरी हाई प्राइस विच इज़ नॉट गुड फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स सो दे आर द प्राइस मेकर तो ऑब्वियसली क्योंकि वो खुद प्राइस डिसाइड कर रहे हैं तो उस वजह से एमोनोपोलिस्ट uh, फॉर्म जो मोनोपली uh, फर्म जो है इट इन्जॉय सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन लॉन्ग रन में बहुत ही हाई प्रॉफिट जो है वो इंजॉय करती है एक मोनोपली फर्म जबकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वी हैव सीन दैटेक्ट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म अर्नस ऑन यॉर्मल प्रॉफिट जबकि इनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलते हैं सो so, प्रॉफिट को वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज uh, कर सकती है अप टू वट एवर प्राइस दे आर चार्जिंग फ्रॉम द कंज्यूमर्स एंड वट एवर मार्जिन दे वॉन्ट दे कैन अर्न देन दे फॉर्म एंड इंडस्ट्री आर सेम ऑब्वियसली क्योंकि सिंगल सेलर है सिंगल फर्म है मार्केट में उस प्रोडक्ट को बनाने वाले तो वही फर्म जो है वो एंटायर इंडस्ट्री का रोल प्ले करेगी तो फॉर्म और इंडस्ट्री में जो डिफरेंस है वो इस मनोपली मार्केट के अंदर खत्म हो जाता है देन बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स नई फर्म्स जो हैं वो मार्केट के अंदर एंटर नहीं कर पाती अरे इसीलिए तो मोनोपोली क्रिएट हो रही है क्योंकि नई फॉर्म्स मार्केट में आ ही नहीं पा रही अब इसके बहुत सारी रीजंस होते हैं जिस वजह से जो भी नई फर्म्स हैं वो उस कॉम्पिट उस उस पर्टिकुलर फॉर्म के उसमें मनापली फॉर्म के कॉम्पिटिशन के अंदर मार्केट में नहीं आ पा रही है वो रीज़न कुछ भी हो सकते हैं मे बी गवर्नमेंट एक्शन की वजह से यानी गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बना दिया है कि कोई भी और जना उस पर्टिकुलर फील्ड में एंटर नहीं हो सकता उस इंडस्ट्री में एंटर नहीं हो सकता या फिर पेटेंट्स है कॉपी राइट्स है जिसकी वजह से कोई भी दूसरा जना उस चीज़ को कॉपी नहीं कर पा रहा है या फिर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी वजह से उन पर कंट्रोल कर लिया है किसी फॉर्म ने उसकी वजह से नई फॉर्म्स नहीं आ पा रही है या फिर इकोनॉमीज ऑफ़ स्केल है तो यानी बहुत सारे रीज़न्स हैं उन्हीं रीज़न्स को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे तो उन रीज़न्स की वजह से क्या होता है जो नई फॉर्म्स है उनका आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है और इसी वजह से मनापली होती है अगर नई फर्म्स आ इजीली uh, एंटर कर सकती मार्केट में तो मनोपली का तो मतलब भी खत्म हो गया देन लास्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल अंडर मोनोपली मार्केट ओनली अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू जो फॉर्म्स हैं वो अपने अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर सकती है फॉर द सेम प्रोडक्ट यानी एक ही प्रोडक्ट के लिए एक ही प्रोडक्ट वो बना रही है उस प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग लोकेशन वाले कंज्यूमर से प्राइसेज जो हैं वो डिफरेंट चार्ज की जाती है और ये कहाँ पॉसिबल होता है ये सिर्फ और सिर्फ मनापली मार्केट के अंदर ही पॉसिबल होगा बाकी कोई भी मार्केट सिचुएशन में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ चार्जिंग वेरियस प्राइसेस और डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के भी एक अलग से हम लेक्चर है जिस पूरा चैप्टर है इसके ऊपर एक टॉपिक है ये जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ लेनी है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सिर्फ मोनोपोली मार्केट के अंदर ही पॉसिबल है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में या जो भी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन हो जहाँ पर भी कॉम्पिटिशन होता है कहने का मतलब ये है वहाँ पर कोई भी फॉर्म अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज नहीं कर सकती है तो दीज आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोली तो आई होप हमें मोनोपोली का मीनिंग समझ में आया है आई रिपीट uh, जो प्योर मोनोपोली की जहाँ पे भी हम बात करते हैं जहाँ पे कोई प्रोडक्ट को बनाने वाला उसका सिमिलर कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है ऐसा जो प्योर फॉर्म है वो रियल लाइफ में कम देखने को मिलता है एटलीस्ट प्राइवेट फॉर्म्स जो भी अगर मैं बात करूं उसमें तो ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा प्योर मोनोपोली का जहां पे बिल्कुल ही सब्सटिट्यूट है ही नहीं प्योर मोनोपोली का मतलब हो गया एब्सेंस ऑफ सब्सटिट्यूट बट यस गवर्नमेंट के फील्ड में हम बहुत सारे ऐसे कंपनीज देखते हैं गवर्नमेंट के जहाँ पे मोनोपोली है जैसे गवर्नमेंट यूटिलिटी कंपनीज जो भी हैं वहाँ पे प्योर मोनोपोली है फॉर एग्ज़ाम्पल द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ इंडियन रेलवे अब इंडियन रेलवे है उसमें कोई भी प्राइवेट फॉर्म अभी तक एंटर नहीं हुई है जिसकी खुद की रेल ट्रेन जो हैं वो चल रही है ऐसा नहीं है और हम देखते हैं आ, जैसे हमारे पास जो वाटर आता है या हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इनमें गवर्नमेंट की मनोपली है कोई भी दूसरी फॉर्म्स जो है जल्दी से इसमें एंटर नहीं कर सकती अब इसका रीज़न क्या है कि क्यों गवर्नमेंट uh, इन सारे प्रोडक्ट्स uh, के ऊपर अपनी मनोपली या इस फील्ड के अंदर मोनोपली क्रिएट की हुई है इसका रीज़न यही है कि मान लीजिए हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं जिसको हमें जो वाटर uh, सप्लाई होता है हमारे घरों के अंदर वो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट uh, के थ्रू ही सप्लाई होता है अगर सपोज uh, करो कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं वो उन्होंने अलग अलग स्ट्रीट जो हैं वो ले रखी है या परचेज़ कर रखी है अब उन्हीं स्ट्रीट में उन्हीं लोकेलिटी में उनके खुद के वॉल्स हैं प्राइवेट कंपनीज के वही उनको डिग करती है और उन उस लोकेलिटी में वो प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो वाटर सप्लाई करिए तो सपोज करते हैं कि हम बिकानेर सिटी की बात करें तो दस प्राइवेट कंपनीज हैं जो वाटर सप्लाई का, का काम करती है तो अब अब, अब आप देखिए कि जब इनके अंदर कंपटीशन होगा सबने अपने अपने, अपने लोकेलिटी में वॉल्स ले रखे हैं तो उस केस में होगा क्या कि जो हर लोकेलिटी में कहीं पे सप्लाई वाटर की ज़्यादा होगी कहीं पे कम होगी तो उस हिसाब से प्राइसेस जो हैं वो कहीं पे ज़्यादा चार्ज किए जाएंगे कहीं कम ज किए जाएंगे एंड वाटर इज सच नेसेसरी कमोडिटी कि उसके बिना सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है तो अगर इसका जो राइट right है वो प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे दिया जाए तो आप सोचिए कितनी कॉस्ट इसके अंदर आएगी और लोगों को कितना ज्यादा पैसा उसी पानी के लिए पे करना पड़ेगा सेम विद द इंडियन रेलवे अब इंडियन रेलवे के अंदर दूसरी फॉर्म वैसे भी एंटर नहीं कर सकती उसका रीजन ये है कि बहुत कॉस्ट इसके अंदर लगती है रेलवे लाइन पूरी कंट्री uh, के अंदर बिछाई जाती है पर्टिकुलर लोकेलिटी में भी बिछाने के लिए बहुत पैसा जो है खर्च करना पड़ता है तो अगर प्राइवेट कंपनी इनको ओन uh, भी करती है तो एक तो उनको कॉस्ट बहुत हाई आएगी जिसकी वजह से वो प्राइसेस भी बहुत ज्यादा चार्ज करेगी अपने कंज्यूमर से एंड देन अगेन कंज्यूमर्स को अनजस्टिफाइड प्राइसेस पे करनी पड़ेगी दैट इज व्हाई नो प्राइवेट कंपनीज एंटरिंग इनटू सच फील्ड्स और वी कैन से द गवर्नमेंट एज रिस्ट्रिक्टेड प्राइवेट कंपनीज टू एंटर इनटू टू दीज फील्ड अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन टेक एटम्स जो भी ये आ, एटम्स की हम बात करते हैं वो भी सारा जो भी है वो गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा है कि कोई भी प्राइवेट फील्ड जो है वो बॉम्बस वगैरह नहीं बनाती है हथियार नहीं बना रही है तो दीज आर दी थी एग्ज़ाम्पल्स ऑफ मनोपली इन गवर्नमेंट फील्ड प्राइवेट में आई आई रिपीट कि हमें प्योर मोनोपोली के एग्जांपल्स कम देखने को मिलते हैं हाँ बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हमें देखने को मिल सकती है जिन्होंने लगभग सेवेंटी परसेंट एटी परसेंट यानी एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है तो एक तरह से वो मोनोपोली फॉर्म की तरह काम करने लग जा लग जाती है जैसे माइक्रोसॉफ्ट की बात करें या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड्रॉयड की हम बात करते हैं तो ये जो भी आ, हम आई कंपनीज के अंदर देखते हैं तो ये एग्ज़ाम्पल्स हैं जो एंड्रॉयड के अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जैसे आई ओ एस है विंडोज इज़ ऑल्सो देर लेकिन उन इनका मार्केट शेयर एंड्रॉयड के कंपैरिजन में बहुत कम है तो हम कह सकते हैं वी कैन से एंड्रॉयड इज इंजॉइंग द मोनोपोली शेयर और मोनोपोली प्रॉफिट्स अगेन हम गूगल की बात करते हैं तो एक सबसे बड़ा सर्च इंजिन है ये तो इसकी भी एक काइंड ऑफ मनोपली है हम काइंड ऑफ मनोपली की बात करें हियर आई एम नॉट टॉकिंग द प्योर मनोपली हुज़ कैप्चर्ड अ लार्ज शेयर ऑफ मार्केट सो दिस आर द फीचर्स हमने फीचर्स लिए उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स कुछ देखे नाउ द क्वेश्चन कम्स वट आर द रीजन्स दैट द मोनोपली क्रिएट्स यानी कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिनकी वजह से कोई भी दूसरी फॉर्म मार्केट के अंदर एंटरी नहीं हो पा रही क्या ऐसे रीजन्स हैं कि मोनोपली क्रिएट हो जाती है किसी पर्टिकुलर फॉर्म की तो यहाँ पे जो बेसिक रीजन् दो थ्री रीजन्स आर दे फर्स्ट इज कंट्रोल ओवर की रिसोर्स दैन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड द गवर्नमेंट एक्शन तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंट्रोल ओवर की रॉ मटेरियल और की रिसोर्स यानी सपोज एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं मान लीजिए कि मैं कोई एक प्रोडक्ट बना रही हूँ और उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी रॉ मटेरियल यूज हो रहा है और इंडिया में वो रॉ मटेरियल जस्ट 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 जगह से मुझे आ रहा है यानी वो जो सोर्स है उस रॉ मटेरियल को कैप्चर करने का जहाँ से भी वो रॉ मटेरियल एक्वायर हो रहा है उन सोर्सेज़ पे उन कंपनीज़ पे जो वो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है वो या वो जो नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ से भी आ रहे हैं मैंने उन सबको एक्वायर कर रहा कर लिया है या मैंने उन सब को परचेज़ कर लिया है उनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं कि आप ये प्रोडक्ट मुझे ही सेल करोगे सपोज़ इंडिया में चार लोकेलिटी से मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई होता है चार ही जगह पर वो रॉ मटेरियल मिलता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अब मैंने उन सब પે અપના એક્વિઝિશન કર લિયા મેને ઉન સબકો પરચેસ કર લિયા يا ઉનકે સાથ મેને કોન્ટ્રાક્ટ કર લિયા કે આપ અપના માલ જો હે વો મુજે હી સેલ કરોગે اب ક્યા હોગા કે મે જો પ્રોડક્ટ બના રહી હું ઉસમે જો રો મટીરિયલ જોઈએ વો કોઈ ભી ઓર જના નહીં બના પાહેગા ક્યોકી ઉસકે લિયે રો મટીરિયલ મેને سارے અપને કંટ્રોલ મે કર લિયે હે સો ધ ફર્સ્ટ રીઝન ઇઝ કંટ્રોલ ઓવર કી રિસોર્સ મતલબ હમ કિસી ભી ઇસેમ નેચરલ મોનોપોલી ભી કહેતે હે કે હમ કોઈ ભી રો મટીરિયલ પે કંટ્રોલ કરકે હમ મોનોપોલી કો क्रिएट कर सकते हैं इसका हम अगर एग्जाम्पल ले सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका रहेगा वॉज फॉर्मड इन एटीन एटी एट क्रिएटिंग अनोपली ऑन ऑल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायमंड्स कमिंग आउट ऑफ ऑल ओवर साउथ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में जहाँ से भी डायमंड्स का प्रोडक्शन हो रहा था जहाँ uh, जहाँ से भी डायमंडस आ रहे थे उन सारी माइन्स पे डी बेयर्स कंपनी ने एकविजीशन कर लिया था उनको कंट्रोल कर लिया था उसको परचेज कर लिया था यानी धीरे 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 इन्होंने तो पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर जितनी भी माइन्स थी उसको परचेज करना स्टार्ट कर दिया और इस तरह से इस कंपनी की मोनोपली फॉर्म हो गई थी अब हुआ क्या था कि एक टाइम ऐसा भी आया जहाँ पे वर्ल्ड के टोटल डायमंड होल्डिंग का 85 परसेंट जो है वो इस कंपनी के पास था क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज थे रिसोर्सेज यानी जितने भी माइंस थे उन सब पे इस कंपनी ने कंट्रोल कर लिया था तो ऑब्वियसली इसकी मोनोपोली क्रिएट हो गई थी सबसे पहले इन्होंने मोनोपोली क्रिएट की थी साउथ अफ्रीका में धीरे धीरे उन्होंने वर्ल्ड मार्केट को भी कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था आ, लेकिन ट्वेंटी सेंचुरी के सेकेंड हाफ़ के अंदर Uh, दूसरे uh, जो भी कंट्रीज़ हैं लाइक कैनेडा है ऑस्ट्रेलिया like है, है यहाँ से भी डायमंड uh, माइंस जो है वो डिस्कवर की गई उसके बाद धीरे धीरे इस कंपनी के अंदर कंपटीशन uh, के अंदर ये कंपनी आने लग गई थी यानी मार्केट के अंदर कंपटीशन आने की वजह से इसका जो प्रॉफिट शेयर है वो धीरे धीरे गिरता गया था सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कंट्रोल अवर की रिसोर्स द सेकेंड इज इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हम रीजन्स कर रहे हैं कि मोनोपली क्रिएट क्यों हो जाती है तो इकोनॉमीज़ ऑफ़ स्केल क्या होते हैं बेसिकली जब भी हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट है हमारे प्रोडक्ट का वो कम होने लगता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन का फ़ायदा यही होता है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ़ स्केल यानी हमें अपने लार्ज स्केल प्रोडक्शन में कुछ आ, की वजह से हमें कुछ एडवांटेजेस मिलने लगते हैं जैसे एडवर्टाइजिंग एडवांटेजेस है मैनेजरल एफिशिएंसी है प्रोडक्शन में हमें एफिशिएंसी मिलने लगती है तो इस तरह से धीरे धीरे हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम होने लगता है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से भी किसी भी कंपनी की मोनोपोली किस तरह से क्रिएट होती है कि जब भी मान लेते हैं कि मार्केट के अंदर कोई कंपनी बहुत पहले से बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रही है तब तक कोई भी कॉम्पिटिटर उसका मार्केट में आया ही नहीं था अब जैसे ही क्योंकि अब वो कंपनी बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुकी है कोई उसका कॉम्पिटिटर नहीं है अब मैं चाहती हूँ आप चाहते हो या तीन चार जने और चाह रहे हैं कि हमें क्यों ना इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर होना चाहिए इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में और हम डिसाइड करते हैं कि हम अपनी अपनी एक फॉर्म अब लगाएंगे लेकिन क्योंकि अब अगर मैं नई फॉर्म उसके अंदर उसके कॉम्पिटिशन में लेके आती हूँ तो मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी और जबकि मेरी कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो ऑब्वियसली मैं इस ये जो पहले से मौजूद जो कंपनी है मैं उसके कंपैरिजन में अपनी प्राइसेस सेट नहीं कर पाऊंगी उन उसने अपनी प्राइसेस बहुत कम रखी हुई है क्योंकि मेरी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो मुझे प्राइसेस भी हाई सेट करनी पड़ेगी और मैं भी मैं मार्केट में टिक ही ना पाऊँ इस डर से मैं उस मार्केट के अंदर एंटर भी नहीं होना चाहूँगी तो इस वजह से अगेन उसकी मोनोपली स्टैब्लिश हो जाती है ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल द थर्ड इज़ गवर्नमेंट एक्शन अब गवर्नमेंट एक्शन यानी गवर्नमेंट जो है वो भी अपने एक्शंस के थ्रू अपने लॉज और रेगुलेशंस के थ्रू मोनोपोली को क्रिएट करती है दो तरह की मोनोपोली हम यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट एक्शन के थ्रू जो क्रिएट होती है द फर्स्ट इज़ गवर्नमेंट मोनोपोली एंड द सेकेंड इज गवर्नमेंट ग्रांटेड मोनोपोली गवर्नमेंट मोनोपोली क्या होती है uh, सबसे पहले वो देखते हैं जितने भी हम गवर्नमेंट कंपनीज देख रहे हैं जैसे यूटिलिटी uh, कंपनीज हैं जैसे इंडियन रेलवे की अभी हमने बात की तो एक्सक्लूसिव राइट right किसी एक फर्म को दे दिया जाता है जो गवर्नमेंट के अथोराइज फर्म है या कंपनी है और वो अपनी मोनोपोली खुद ही क्रिएट कर लेती है सो एन एजेंसी अंडर द डायरेक्ट अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इट्स होल्ड्स द मोनोपोली जो गवर्नमेंट की डायरेक्ट अथॉरिटी के अंदर है यानी जो गवर्नमेंट की खुद की ही है जो एजेंसी या जो फर्म या जो कंपनी और वो खुद किस, किसी और को मार्केट में एंटर नहीं होने दे रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे फॉर एग्जाम्पल वाटर सप्लाइड बाई द इंडियन गवर्नमेंट देन नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ग्रांटेड मनोपली अब गवर्नमेंट ग्रांटेड मनोपली क्या है ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट मनोपली नहीं है ये कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो गवर्नमेंट के अंडर में है लेकिन गवर्नमेंट कई बार प्राइवेट फर्म्स को या इंडिविजुअल फर्म को कुछ राइट right देती है द गवर्नमेंट गिव्स अ प्राइवेट फॉर्म्स राइट टू बी अ सोल प्रोवाइडर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट यानी उसको उस पर्टिकुलर फॉर्म को एक राइट right दिया जाता है कि आप ही इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोवाइड करोगे सेल करोगे मैन्युफैक्चर करोगे आपके अलावा कोई भी दूसरा जना ऐसा नहीं करेगा नाउ द क्वेश्चन कम्स वाई गवर्नमेंट विल डू दिस हो सकता है पब्लिक वेलफेयर के अंदर गवर्नमेंट कई बार ऐसे डिसीजन लेती है कि गवर्नमेंट किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म को एक्सक्लूसिव राइट right दे देती है टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट एंड सर्विस द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस इसी का एक और एग्जाम्पल है गवर्नमेंट ग्रांटेड मोनोपली का हम देखते हैं पेटेंट्स है कॉपी राइट्स है जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है इनके थ्रू भी गवर्नमेंट कुछ हद तक मार्केट में मनोपली क्रिएट करती है इसका रीज़न ये होता है मान लीजिए कि मैंने कोई प्रोडक्ट को इनोवेट किया मैं एक नया आइडिया लेके आई और अभी तक वो आइडिया कोई दूसरा जना लेके नहीं आया था तो मेरे पास ये राइट right है कि मैं अपने आइडिया को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ थ्रू कॉपीराइट और थ्रू पेटेंट्स अब होगा क्या इसके अंदर आ, मेरे आइडिया को कोई भी दूसरा जना कॉपी नहीं कर पाएगा अब बात आती है कि गवर्नमेंट जब मोनोपोली को डिस्करेज करती है तो गवर्नमेंट ने मुझे ये राइट दिया ही क्यों क्यों दूसरे जनों को इस मार्केट में आने से रोका? इसका रीज़न यही होता है कि जितने भी इनोवेटर्स हैं जो नया कॉन्सेप्ट आते हैं नया आइडिया लेकर आते हैं तो उन आ, उनको एनकरेज करने के लिए उस नए कॉन्सेप्ट को उस नए इनोवेशन को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट कुछ इस तरह के राइट्स देती है प्राइवेट फार्मस को जिसके थ्रू वो अपने प्रोसेस को अपने मैथड्स को अपने आइडियाज़ को अपने प्रोडक्ट को कॉपीराइट करवा सकते हैं अपने सॉन्ग को कई तो बार हम देखते हैं किसी सॉन्ग को किस, आ, किसी किसी मूवी को कॉपीराइट करवा दिया जाता है ताकि कोई भी दूसरा जना उसको कॉपी ना कर सके सो so, ये भी एक एग्जाम्पल था गवर्नमेंट ग्रांटेड मोनोपोली का एक एग्जाम्पल हम इसका ईस्ट इंडिया कंपनी भी ले सकते हैं जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट दिया था टू इंपोर्ट टू ब्रिटेन फ्रॉम इंडिया इंडिया से जितना भी uh, माल इंपोर्ट होएगा उसका राइट right किसको दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था सो दिस वॉज अनादर क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट ग्रांटेड मोनोपोली सो दिस वॉज़ ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर